हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास सेवन्थ एकलव्य बैच का लेक्चर नंबर एट में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इससे पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उन्हें जाके देखिए, उसके बाद में इस लेक्चर को देखना स्टार्ट कीजिए, जिससे कि आप लोगों को इस लेक्चर को समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो देखिए, इसके लिए एक रूल है। वो रूल क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस का मतलब है फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन, उसको बोलने का तरीका होता है। तो हमें इसको अगर मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना होगा, हमें न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। सिंपली ये होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ए अपॉन बी एक फ्रैक्शन है और सी अपॉन डी कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है, तो हमें ए को सी से मल्टीप्लाई करना है और बी को डी से मल्टीप्लाई करना है। ये सिंपल रूल है जो हमें फॉलो यहाँ करना है। अब देखो, इस हम कुछ क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सोल्व करके देखते हैं, जिससे ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ क्या होगा, ये नंबर हमारे को गिवन है, ये एक फ्रैक्शन गिवन है। हमारे को इसका क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 5 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, और 8 को 4 से करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो ये 15/32 हमारा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सिमिलरली ऐसा ही इसको सोल्व करना है, लेकिन यहाँ पे 9 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 9 से करेंगे और नीचे 12 को 1 से करेंगे। तो 9 × 5 = 45 / 12। अब यहाँ क्या है, आप लोग इसको यहीं नहीं छोड़ सकते। यहाँ क्या होगा, अगर ये दोनों सिंपल आगे और सिंप्लीफाई हो रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो, आप अगर यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, ये 4 टाइम और ये 15 टाइम, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 15/4। और आप चाहो तो इसको वापस से मिक्स्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, 4 को इससे डिवाइड करो, 3 टाइम डिवाइड होगा, मतलब 4 से डिवाइड करो 15 को, 3 टाइम होगा, 3 बचेगा, उसको ऊपर लिख सकते हो, नीचे क्या लिख सकते हैं, 4। तो ये कितना होगा, 3/3/4, ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। अब एक काम करता हूँ, मैं इसी क्वेश्चन को आप लोगों को दूसरे तरीके से भी सोल्व करके बताता हूँ। वो शॉर्टकट मेथड है और वही मेथड आप लोगों को कोशिश करनी है फॉलो करना। तो देखो क्या होता है, 5/12 × 9/1 ये दिया हुआ है। तो होता है क्या, ये दोनों आपस में डिवाइड हो सकते हैं और ये दोनों भी आपस में क्या किए जा सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं, अगर दोनों किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझो। देखो कि 5/12 गिवन है, 9/1 गिवन है, क्या ये 12 और 9 किसी सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं क्या? तो देखो, ये 3/4 टाइम डिवाइड हो गया और ये 3/3 टाइम डिवाइड हो गया। हम इस तरीके से ऊपर नीचे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर्स को इधर भी कर सकते हैं और इधर भी डिवाइड कर सकते हैं, अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो क्या होगा, ऊपर 5/3 = 15 होगा, नीचे कितना होगा, 4 होगा, 4/1 = 4। अब जब इसको सिंप्लीफाई करोगे 3/3/4, तो देखो इससे भी क्या आएगा, सेम ही रिजल्ट निकल के आएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इससे क्या होगा, आप लोगों का टाइम बचेगा, आप लोगों को मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना पड़ेगा। जैसे इसमें मैं आप लोगों को करके बताऊं, देखो टाइम कैसे बचेगा हमारा। इसको करने के दो तरीके, हम दोनों तरीके फॉलो करेंगे। 9 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 72 आएगा। फिर 16 को 15 से मल्टीप्लाई करें या 15 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 240। तो पहले तो मल्टीप्लाई करना ही एक टास्क हो गया, उसको फिर सोल्व, फिर इसके बाद में इसको सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा, तो ये एक मुसीबत है, ये समझ लो। तो टाइम भी लेगा और आप लोगों का हो सकता है मल्टीप्लाई में थोड़ी सी भी गलती कर दी तो हमारा रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। तो अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, देखो तो ये कितने टाइम होगा, 36 टाइम, ये कितने टाइम होगा, 120 टाइम। फिर से 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 18 टाइम, ये कितने टाइम, 60 टाइम। फिर से दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 9 टाइम, ये 30 टाइम। फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 टाइम, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 10 टाइम। तो फाइनल रिजल्ट कितना निकल के आएगा, 3/10। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप चाहो तो किसी बड़े नंबर से भी डिवाइड करके देख सकते हो। अब देखो इसी को मैं कितना सिंप्लीफाई तरीके से सोल्व कर सकता हूँ, 9/16 गिवन है। तो देखो ऊपर नीचे ये दोनों और ये दोनों कभी अगर डिवाइड हो रहे तो हो सकते हैं सेम नंबर से। तो देखो 8/1 = 8, 8/2 = 16, ये दोनों भी 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 3/3 = 9 और 3/5 =
15। ऊपर क्या बचा 3 मल्टीप्लाई 1, नीचे क्या बचा 2 मल्टीप्लाई 5। ऊपर हो गया 3, नीचे हो गया 10। क्या यही रिजल्ट आ रहा है क्या सेम? तो अगर आप ऐसा करना सीख जाओगे तो आप लोगों को एक तो टाइम बचेगा और साथ में गलती होने के चांस भी बहुत कम हो जाएंगे। आई होप ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ध्यान रखना इसका ये वाला मेथड यहाँ मैंने लिख दिया तो इसको पहले आप नोट कर लेना। ऐसे ही अब इन क्वेश्चंस को हम सोल्व करके देखते हैं। तो देखो सबसे पहले तो ये मिक्स्ड में गिवन है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, 8 4 जा 32 32 + 1 कितना होगा 33 डिवाइड बाई 8, बीच में मल्टीप्लाई है, 11 2 जा 22 22 में जब 10 ऐड करोगे तो 32 आएगा, नीचे कितना है 11। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। 11 1 जा 11 11 3 जा 33, 8 1 जा 8 8 4 जा 32 ऊपर क्या बचा 3 मल्टीप्लाई 4 बचा, एक 3 और एक 4, नीचे 1 मल्टीप्लाई 1, ऊपर हो गया 12, नीचे हो गया 1, और 12 लिखने की नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती तो इसका आंसर कितना आ गया 12 आ गया। अगर ऐसे ही करते तो पहले 33 को 32 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, ये बहुत बड़ा प्रोसीजर हो जाता, फिर 8 को 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ता तो ये फिर 88 आता, फिर उसको डिवाइड करना पड़ता तो तब जाके कितना निकल के आता 12 निकल के आता। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन ये है, इसको भी करते हैं, 7 3 जा 21 21 और 6 कितना हो जाएगा 27 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12 3 4 जा या 4 3 जा 12 12 + 2 कितना होगा 14 डिवाइड बाई 3, डिवाइड करें 3 1 जा 3 3 9 जा 27 7 1 जा 7 7 2 जा 14 तो ऊपर तो 9 मल्टीप्लाई 2 बच गया, नीचे 1 मल्टीप्लाई 1 तो 9 2 जा कितना हो गया 18, और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है तो इसका आंसर कितना आ गया 18। आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ऐसा ही क्वेश्चन ये है तो सबसे पहले तो 16 के नीचे क्या लगा लो, 1 लगा लो। यहाँ देखो 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 54, 54 को 1 से ऐड करेंगे तो 55 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई 16 अपॉन 1। अब देखो 18 और 16 ये दोनों 2 से डिवाइड हो रही है, 9 टाइम हो गया और ये 8 टाइम हो गया। अब आगे किसी से भी कुछ नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, सिंपली ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 550 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो आप लोग इसको ब्रेक करके मल्टीप्लाई किया करो। देखो अगर हमें 10 टाइम करना होता तो 550 आता, 55 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8 से नहीं करो 10 से करो तो 0 लग जाता है, लेकिन हमें 8 से ही करना है यानी 2 टाइम माइनस करना है तो वो कितना होगा 110, उसको माइनस कर दो तो कितना आएगा 440। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से करके देख लेना, ये ऊपर कितना आ जाएगा 440 डिवाइड बाई 9। अब ये ऊपर किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा ऊपर नीचे तो हमें इसको मिक्स में कन्वर्ट करना, 9 की टेबल बोलो, 9 4 जा 36 बचा कितना 8, 8 के आगे 0 लगाओगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 80 में कितने टाइम होगा 8 टाइम, बचेगा कितना 8, 8 ऊपर आ जाएगा और 9 किधर आ जाएगा नीचे आ जाएगा। आप लोग इसको करके देख लेना रिजल्ट क्या आएगा, यही आएगा। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। उसके बाद में हमें अब देखो यहाँ सिंप्लीफाई करना है, तीन तीन को कैसे करें तो इनको तीन क्वेश्चंस को मैं करवा के बताता हूँ आप लोगों को। देखो ये भी चीज़ ध्यान रखना, ये ऊपर नीचे ये इससे भी डिवाइड हो सकता है, अगर हो रहा होगा तो ये इससे भी हो सकता है, यानी कि ऊपर नीचे हम कहीं भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखो 5 1 जा 5 5 7 जा 35 आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर ये दोनों देखो 11 से डिवाइड हो रहे हैं, 11 3 जा 33 11 4 जा 44 फिर ये 3 1 जा 3 और ये 3 1 जा 3 फिर ये 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसको अच्छे से रिवाइंड करके देखना अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती कि मैंने किस तरीके से मैंने ऊपर और नीचे डिवाइड करने की कोशिश की, मुझे सेम नंबर सोचना पड़ा कि किस किस से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड करता गया। अब देखो ऊपर क्या बचा 1 1 1 यानी 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 नीचे 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 तो ऊपर तो 1 को 1 से कितनी बार मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा, 1 2 जा 2 2 7 जा कितना आ गया 14 तो इसका फाइनल रिजल्ट कितना आ गया 1/14। आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसा ही क्वेश्चन ये है, देखो ऊपर नीचे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो देखो अगर आप लोगों को 28 की टेबल डायरेक्ट आती है तो आप लोग 28 से 56 को काट सकते हो, अगर नहीं आती है तो आप लोग छोटे छोटे पार्ट्स में भी कर सकते हो। देखो ये दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, ये 5 से कितने टाइम 2 टाइम और ये 5 से 13 टाइम। मुझे 5 से कैसे पता चला डिवाइड कैसे हुआ,
कि अगर 5 के डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या ध्यान रखना होता है कि अगर यूनिट प्लेस पे 0 या 5 आ रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि वो 5 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे 5 आ रहा था इसलिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया। और 13 5 जा कितना होता है 65। अब देखो और क्या कर सकते हैं हम लोग, ये देखो ये दोनों 7 से डिवाइड हो रहे हैं, ये 4 टाइम और ये 8 टाइम, फिर ये 4 से 1 टाइम डिवाइड हो गया और ये कितने टाइम डिवाइड हो गया 2 टाइम डिवाइड हो गया, और ये 2 से देखो ये 1 टाइम और ये 1 टाइम। अब और क्या बचा, एक 13 बचा, एक 20, 39 बचा, एक 27 बचा। अब देखो 13 1 जा 13, 13 3 जा 39 हो गया, फिर 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27 हो गया। आई होप ये चीज़ आप लोगों के समझ में आ गई होगी। इसको वीडियो को पीछे जाके वापस से देखना कि मैंने किस किस तरीके से डिवाइड किया है, और फिर खुद करने का ट्राई करना। तब तक आप लोग खुद नहीं करोगे जब तक, तब तक आप लोगों के समझ में नहीं आएगा। तो ऊपर 1 1 1 बचा, नीचे 9 1 1 बचा, तो ऊपर तो 1 हो गया और नीचे 9 1 9 9 मल्टीप्लाई फिर से 1 करोगे तो 1 आएगा, एंड इसका फाइनल रिजल्ट कितना आ गया 1/9। आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसको कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये मिक्स्ड में गिवन है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। 17 2 जा 34 प्लस 2 कितना होगा 36 डिवाइड बाई 17 मल्टीप्लाई 9 7 जा 63 प्लस 2 कितना हो गया 65 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई 52 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 52 आएगा, उसमें 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोग यहाँ करके देख लेना, 8 यहाँ 5 हो गया और यहाँ 8 हो गया, 85 आएगा। तो यहाँ 85 आया और यहाँ कितना है 52, ऐसे कैसे चल रहा है। अब सोचो देखो 9 1 जा 9 9 4 जा 36 17 1 जा 17 17 5 जा 85, ये दोनों देखो किससे डिवाइड हो रहे हैं 13 से हो रहे हैं, 13 4 जा 52 13 5 जा 50 वो 65। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आप लोगों को बचपन में जो टेबल सिखाई जाती है ना, वो इसीलिए सिखाई जाती है कि आप लोग टेबल याद रखोगे तो आप लोगों को डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने में, हायर क्लासेज में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सोल्व करने में क्या होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए बचपन में टेबल्स को लर्न करवाया जाता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं टेबल के रट्टे मारते हैं, ठीक है, रट्टाफिकेशन वाला मेथड फॉलो करते हैं। एक बार रट लिया राइमिंग में याद कर लेते हैं, और रेंडमली कोई बीच में से किसी की रिक्वायरमेंट है, जैसे अभी मान लो मुझे 13 5 जा की रिक्वायरमेंट थी, तो अगर आप लोग 13 5 जा नहीं बोल पा रहे हो एक बार में, अगर आप लोगों को 13 5 जा बोलने के लिए 13 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा बोलने की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब है आप लोगों को टेबल याद नहीं है, आप लोगों की टेबल रटी हुई है। तो टेबल को याद करने का मतलब ये है कि आप लोगों को जो भी पूछा जाए उसको डायरेक्ट क्लिक करते ही, पूछते ही डायरेक्ट आंसर दे दो। तो देखो अब ऊपर क्या बचा, अब आप चाहो तो देखो ये 4 1 जा 4 4 1 जा 4 ये भी डिवाइड हो गया, ऊपर 5 और 5 बचा यानी 25 हो गया, यहाँ 1 बचा मल्टीप्लाई 5 बचा, और नीचे 1 1 1 बचा। तो ऊपर तो देखो 1 5 जा 5 5 5 जा 25 और नीचे 1 आएगा, और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, कितना आएगा 25 आएगा। आई होप ये चीज़ भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, इन सबको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन पे वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे आती है उनको देखते हैं। आगे वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम्स को करने से पहले हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है उसको भी देख लेते हैं, क्या है यूज ऑफ ऑफ, ऑफ का क्या यूज होता है। तो देखो ऑफ का मीनिंग क्या होता है, जैसे यहाँ पे गिवन है ए बाई बी ऑफ सी, इसका मतलब है ऑफ को क्या बोला जाता है मल्टीप्लाई बोला जाता है, बस सिंपली ये है। बस क्वेश्चन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं लिख के क्या दे दिया आप लोगों को, ऑफ दे दिया है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में एक रूल बताया था बोर्ड मास, उसमें क्या होगा, अब यहाँ मैंने क्या बताया ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, लेकिन ऑफ यहाँ प्रायोरिटी, अगर ऑफ और मल्टीप्लाई कहीं पे दोनों एक साथ गिवन है तो हमें पहले ऑफ को सोल्व करना है, उसके बाद में किसको सोल्व करना है मल्टीप्लाई को सोल्व करना है। अभी मैं एक क्वेश्चन इसका भी बता दूंगा, जैसे यहाँ गिवन है 3/4 ऑफ 8 मल्टीप्लाई 2 गिवन है, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले हमें क्या करना है इसको सोल्व करना है, क्योंकि ऑफ की प्रायोरिटी क्या है पहले आएगी और एम यानी मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी क्या होगी बाद में होगी। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसको अभी मैं पहले ऑफ के क्वेश्चन सोल्व कैसे किए जाते हैं वो बता देता हूँ, उसके बाद में इसका सोल्यूशन बता दूंगा। तो देखो ऑफ का सिंपली मतलब क्या है, मल्टीप्लाई कन्वर्ट करो मल्टीप्लाई में, तो 1/3 मल्टीप्लाई 24 नीचे 1 लगा लो, 3 1 जा 3 3 8 जा 24 ऊपर 1 मल्टीप्लाई 8 बचा, नीचे 1 मल्टीप्लाई 1 बचा, और 1 मल्टीप्लाई 1 करोगे नीचे तो 1 आ जाएगा, ऊपर 1 मल्टीप्लाई 8 करोगे तो 8, और नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में
आ गई होगी। ऐसे ये वाला क्वेश्चन है तो 3/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और 32 ऐसे कैसे नीचे 1 लगा लो, 4 1 जा 4 4 8 जा 32 को मतलब 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 24 आएगा, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया 24। नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे इसको करोगे 7/50 मल्टीप्लाई 1000, तो देखो एक जीरो से एक जीरो डिवाइड हो जाएगा मतलब कट जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों। जो कभी भी ऐसा कर बोले ना कोई कि इसको हमने जीरो से जीरो काट दिया, इसका मतलब है कि हमने इसको भी 10 से डिवाइड कर दिया है और इसको भी 10 से डिवाइड कर दिया है, तो ये 5 आएगा और ये 10 आएगा। तो देखो ऐसा लग रहा है कि जीरो यहाँ से हट गया, तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये भी आप नोट कर सकते हो ये सारी चीज़ें। अब देखो 5 1 जा 5, 5 20 जा 100 आएगा, फिर 20 को क्या करना है 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा 140, और नीचे 1 आएगा तो 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो हमारा आंसर कितना हो गया 140। आई होप ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस गिवन होते हैं तो इसको कैसे कन्वर्ट करें, तो तरीका वही है 1/2 मल्टीप्लाई 3/4, और हमने अभी रूल सीखा था मल्टीप्लाई करने का कि अगर ऊपर नीचे कुछ डिवाइड हो रहा है तो करो, अदरवाइज न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो यहाँ कुछ भी देखो ऊपर नीचे डिवाइड नहीं हो रहा, तो क्या होगा 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 2 को 4 से करेंगे 8, तो आंसर कितना आ गया 3/8। यहाँ क्या होगा 2/3 मल्टीप्लाई को क्या बनाएंगे ऑफ को मल्टीप्लाई बनाएंगे 15/4। देखो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया, तो कितना आ गया 5/2। या तो आप यही छोड़ सकते हो या फिर इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लो, इसका इसमें डिवाइड करेंगे 2 टाइम डिवाइड होगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, वो ऊपर आ जाएगा और 2 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। आई होप ये चीज़ आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब यहाँ क्या होता है, कुछ हमारी क्वांटिटीज होती है मीटर ईयर वीक डे के किलोग्राम लीटर्स वगैरह, तो इनको क्या करते हैं कन्वर्ट करना है हमारे को किसकी फॉर्म मतलब ऑफ की हेल्प से सोल्व करना है। तो उसने क्या बोला है 54 मीटर्स का 4/9 क्या होगा, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं 54 के 9 इक्वल पार्ट्स करो, उसमें से हमें कितने पार्ट्स लेने 4 पार्ट्स लेने, लेकिन वो हम सोचना पड़ेगा कि 9 इक्वल पार्ट्स क्या क्या होंगे, तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर देते, मल्टीप्लाई 54 यहाँ पे मीटर्स में ही आएगा आंसर, तो कितना मीटर्स आएगा वो हमें पता करना है कि भाई 54/9 मीटर्स का 4/9 कितना मीटर्स होता है। तो देखो 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, और 6 को जब 2 से क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 24, यानी 4/9 और 54 मीटर्स कितना होता है 24 मीटर्स। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखो ये तीनों प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे एक साल का 1/6 का क्या मतलब होगा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं मंथ की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे 1/6 ऑफ 12 मंथ्स, हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि 1 ईयर में कितना मंथ्स होते हैं 12 मंथ होते हैं, तो हम क्या करेंगे 1/6 मल्टीप्लाई 12, और रिजल्ट किस में निकल के आएगा मंथ्स में निकल के आएगा, 6 से 6 का ये 1 टाइम डिवाइड होगा, 12 2 टाइम डिवाइड हो गया, ऊपर 2 बचा और 2 और मल्टीप्लाई 1 यानी 2 बचा मंथ, यानी कि 1/6 ऑफ ए ईयर, एन ईयर बराबर क्या होता है 2 मंथ्स। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब जैसे वीक दे रखा है तो वीक को डे में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3/7 ऑफ 7 डेज। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी आप लोगों के, क्योंकि एक वीक में क्या होता है 7 डेज होते हैं, तो हमने इसको डेज में कन्वर्ट कर लिया, 3/7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 7 और आंसर क्या आएगा डेज, तो 7 से 7 1 टाइम डिवाइड हो गया, ऊपर 3 मल्टीप्लाई 1 बचा, तो कितना होगा 3/7 ऑफ ए वीक का मतलब होता है 3 डेज। आई होप ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे एक दिन दिया हुआ है, तो दिन को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, 7/8 ऑफ 24 आवर्स, तो आगे क्या होगा 7/8 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 24 आवर्स, 8 को 3 टाइम मतलब 8 से 24 3 टाइम डिवाइड होगा, फिर 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा, मतलब इसका रिजल्ट कितना आ गया 21 आवर्स। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब पहले मैं इसको सोल्व करके बता देता हूँ कि मैंने क्या बताया कि अगर ऑफ और मल्टीप्लाई एक साथ दिया हुआ है तो हमें ऑफ को पहले प्रायोरिटी देनी है, उसको सोल्व करना है, तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं हम, क्या आएगा 3/4 मल्टीप्लाई, तो जब भी ऑफ को सोल्व करना हो तो इसको ब्रेकेट में लिख लो क्योंकि इसको पहले करना है हमारे को, मल्टीप्लाई 2, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ऊपर कितना हो गया 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई 2 बराबर कितना आएगा 12। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ देखो एक किलोग्राम दे रखा है,
तो किलोग्राम को किसमें, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या लिख देंगे, 7/20 मल्टीप्लाई 1 किलोग्राम में कितना 1000 ग्राम्स होते हैं। आई होप ये चीज़ आप लोग जानते होंगे। तो देखो एक जीरो से एक जीरो डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 50 टाइम्स क्या हो जाएगा 100 डिवाइड हो जाएगा 2 से, 50 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 350, और आंसर किसमें आएगा ग्राम में, यानी कि 2/7/20 ऑफ 1 किलोग्राम बराबर होता है 350 ग्राम। आई होप ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे क्या है, 6/7 मल्टीप्लाई 35 लीटर्स, तो इसको कन्वर्ट करो, 7 1 जा 7, 5 टाइम डिवाइड होगा 35, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 30, यानी कि 6/7 ऑफ 35 लीटर्स बराबर क्या होगा 30 लीटर्स। आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसको अच्छे से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग क्या करते हैं, 3-4 वर्ड प्रॉब्लम्स को देखते हैं, इसी के साथ फिर हमारा लेक्चर खत्म हो जाए। अब हम ये 4 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इनको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, वर्ड प्रॉब्लम्स करनी आनी जरूरी है, क्योंकि आगे क्या होगा 9th और 10th क्लास में जब आप लोग जाओगे या फिर 8th क्लास में जाओगे, वहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स ज़्यादा मिलेगी, डायरेक्ट क्वेश्चन सिंपली आप लोगों को मल्टीप्लाई डिवाइड करने का नहीं मिलेगा। तो वर्ड प्रॉब्लम से पहले हमारे को क्वेश्चन को समझ के इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये समझ लो मल्टीप्लाई क्या होगी वहाँ लास्ट स्टेज होगी हमारी क्या करने की, क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने की। उससे पहले हमारे को वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्मेट में जो क्वेश्चन गिवन है उसको थोड़ा सा सोल्व करके लास्ट स्टेज तक पहुँचाना पड़ेगा। तो देखिए वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व करने का मैंने पहले भी तरीका बताया आप लोगों को, मैं एक बार वापस से बता देता हूँ, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, उसको समझने की कोशिश करो कि वो क्या कहना चाह रहा है। ये जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स है ना एक्चुअल में रियल लाइफ बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स होती है। आप लोग देखना जब भी अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन जब रीड करके बताऊंगा आप लोगों को खुद फील होगा कि ये तो कभी ना कभी हम ऐसा करते हैं। देखना तो देखो, क्लॉथ इज बींग सोल्ड 8 रुपीज 42.5 पर मीटर, वॉट इज द कॉस्ट ऑफ 5 3/4 मीटर्स ऑफ द क्लोथ। अब अगर आप लोगों ने क्या किया होगा, कपड़े खरीदे होंगे, तो हम लोग तो जनरली क्या करते हैं, रेडीमेड जो कपड़े खरीदते हैं उसका उसके हिसाब से नहीं खरीदते कि कितने मीटर के हिसाब से कितना कपड़ा आएगा, लेकिन जो लेडीज वगैरह होती है या फिर हम लोग हमारे को पेंट शर्ट सिलवाने हैं तो उसके लिए क्या होता है, हम लोग पहले कपड़ा खरीद के लेके आते हैं, वो कपड़ा मीटर के हिसाब से मिलता है। जैसे मान लो कि 100 रुपये मीटर मिल रहा है, मतलब 1 मीटर कपड़े की कॉस्ट कितनी है 100 मीटर है। अब जैसे मान लो हमारे को पेंट शर्ट सिलवानी है, उन दोनों को सिलवाने के हमारे को 4 मीटर कपड़े की रिक्वायरमेंट है, 1 मीटर कपड़े की कॉस्ट कितनी है 100 रुपीज़ है, तो 4 मीटर हमारे को ज़रूरत है, तो 4 मीटर कपड़े की कॉस्ट कितनी आएगी 400 रुपीज़ आएगी। ये तो एक बेसिक सिंपल एग्जाम्पल है। जब मान लो कि वो जो शॉपकीपर होता होगा वो तो बल्क में बहुत सारा कपड़ा खरीद के लाता होगा जहाँ भी फैक्ट्री होगी वहाँ से, तो उसको तो ये कैलकुलेशन बहुत फास्ट करनी होती होगी, उसको क्या करना होता होगा कि भाई कितना मीटर कपड़ा आया, 1 मीटर के एक कपड़े की कॉस्ट कितनी थी, और उसमें भी क्या होगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो कपड़े होंगे उनका जो मटेरियल होगा उसके हिसाब से क्या होगा अलग अलग कॉस्ट होगी, तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो जाती होगी। जैसे मान लो कि 4 टाइप के कपड़े हैं, एक कॉटन का कोई कपड़ा है, एक कोई पॉलिएस्टर का कपड़ा है, ठीक है पॉलिएस्टर बोला जाता है उसका कोई कपड़ा है, ठीक है इसके अलावा एक मान लो कि नायलॉन का कोई कपड़ा है, ऐसे और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या आते हैं कपड़े आते हैं, ठीक है इसके अलावा एक ये 3 तरीके के कपड़े हैं। अब इन तीनों तरीके के कपड़े की जो कॉस्ट है वो अलग अलग है, तो अब तीनों तरीके के कपड़े जैसे मान लो इसके वो 5 मीटर खरीद के लेके आ रहे हैं, 500 मीटर खरीद के लेके आ रहा है, और उसकी कॉस्ट क्या है 49 पर मीटर है, ऐसे ही ये अलग कपड़े खरीद के लेके आ रहा है, तो वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाएगी, तो उसको वो मैथमेटिक्स की हेल्प से क्या करता है सोल्व करने की कोशिश करता है। मैं यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि मैथ रियल लाइफ में कहाँ यूज होती है, हर जगह पे मैथ यूज होगी। ये जब कपड़े वाला जब कपड़े खरीद के लाता होगा तो वो मैथ यूज कर रहा होता है, भले ही वो कैलकुलेटर से करता हो लेकिन वो एक्चुअल में मैथ को यूज कर रहा होता है। ऐसे यहाँ देखो एक प्रॉब्लम है कि एक कार कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 66.2/3 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक कार चल रही है उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब है कि स्पीड कम ज़्यादा नहीं हो रही है, जितनी है उतनी ही रह रही है हमेशा, ठीक है जैसे वहाँ पे 50 पे फिक्स कर दिया तो हर वक्त स्पीड कितनी रह रही है 50 ही रह रही है, कभी 40 या फिर 60 नहीं हो रही, कम ज़्यादा नहीं हो रही, फिक्स है, तो उसको हम क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। मैं अभी सबको सॉल्यूशन भी करवाऊंगा, आप टेंशन मत लो, पहले मैं क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूं कैसे क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद में 1 घंटे में वो इतना किलोमीटर चलता है, स्पीड का मतलब क्या है कि 66.2/3 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमें तो क्या बताना है,
हाउ मच डिस्टेंस इट कवर्स इन 9 आवर्स, तो 9 आवर्स में कितना चलेगा, इसको ऐसे समझो, 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलता है तो 2 घंटे में कितना चलेगा, 100 किलोमीटर चलेगा। सिंपली हमने क्या किया, 1 घंटे में कितना चलता था 50, उसको कितने घंटे में पता करना है, कितने आवर्स में पता करना है, 2 आवर्स में, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे को 100 निकल के आ गया। सिमिलर हम लोग यहाँ भी करेंगे, हमें 9 आवर्स के लिए निकालना है तो 1 आवर की डिस्टेंस पता है, 9 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी मैं सोल्व करके बताऊंगा। फिर आगे देखो, 1 टिन, टिन का मतलब होता है डिब्बा बोल सकते हो, ठीक है, या फिर इस टाइप का कोई भी बॉक्स होगा वो क्या है हमारा, टिन है। तो देखा होगा आप लोगों ने जो ऑयल वगैरह होता है वो टिन में आता है, ठीक है, तो 1 टिन में कितना ऑयल आता है, 12 and 3/4 liters। तो हमें ये बताना, ऐसे अगर हमारे पास 26 टिन हो तो उसमें कितना वो आएगा, ऑयल आएगा, तो एक का पता है, जैसे एक में मान लो 10 लीटर आता तो 3 में कितना आता, 10 10 10, यानी 30 लीटर आता। हमने क्या किया, 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे हमें एक का लीटर का पता है, हमें कितने का निकालना, 26 का, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 26 का निकल के आ जाएगा। आई होप ये चीज़ भी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब यहाँ देखो क्या है ये वाला, चलो मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले इन तीनों का सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग। तो देखो क्या बोला, क्लॉथ ऑफ बींग सोल्ड 8 rupees 42 and 1/2 पर मीटर। तो हम पहले क्या लिख देते हैं कि 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है, यहाँ लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ पर मीटर, यानी 1 मीटर वो कितनी है, 42 and 1/2 rupees, यही होगा। अब इसको कन्वर्ट भी कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 84 होगा, 84 में 1 ऐड करोगे तो 85, यानी कि 85/2 rupees लगते हैं 1 मीटर के। लेकिन हमें तो कितना मीटर खरीदना है, 5 and 3/5 meters खरीदना है, तो हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 5 and 3/5 meters वो कितनी होगी, एक की कॉस्ट कितनी है, इतनी है, इसको हमें जितने की कॉस्ट निकालनी है उतने से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। आई होप ये चीज़ आप लोग समझ पा रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी मैंने समझाया था कि 1 मीटर की कॉस्ट अगर 100 रुपये है तो 3 मीटर की कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 100 100 100 तीनों मिला के कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ऐसे ही 1 मीटर की कॉस्ट हमें पता है, हमें इतने मीटर की निकालनी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आएगा, आगे सोल्व करते हैं। देखो रिजल्ट रुपीज में निकल के आएगा, ध्यान रखना, 5 5 जा कितना होगा, 25 25, और 3 कितना होगा, 28/5, आगे ऊपर नीचे डिवाइड हो रहा है, इससे ये कितने टाइम डिवाइड हो गया, 14 टाइम, 5 1 जा 5, और ये कितना टाइम हो गया, 17 टाइम, ठीक है, आप लोग करके देख लेना। अब ऐसे 17 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे करें, पहले इसको 14 से 14 से करेंगे तो 196, फिर इसको 3 टाइम करेंगे 42 8, ये कितना हो जाएगा, 32, आप लोग करके देख लेना कितना आएगा, 238, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट कितना आ गया, 238 रुपीज़। आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। सिमिलर क्वेश्चन ये है कि 1 आवर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इतना किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस पर स्पीड कितनी है, इतने किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब है कि 1 आवर में इतना चलता है, हमें 9 आवर्स का निकालना है, तो हम क्या लिख देंगे सॉल्यूशन में, डिस्टेंस कवर्ड इन एन आवर, 1 घंटे में कितना कर रहे हैं, 66 and 2/3 kilometers, इसको कन्वर्ट कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, पहले 60 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 180 होगा, फिर 6 को 3 टाइम करोगे 198, और फिर 28 करोगे तो कितना होगा, 200/3 kilometers। लेकिन हमें तो कितने आवर्स में निकालनी है, 9 आवर्स में, तो हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन 9 आवर्स, तो कितनी हो जाएगी, 1 घंटे में कितना चल रहे हैं हम लोग, 200/3, उसको 9 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई, क्योंकि 9 आवर्स में, तो इतना किलोमीटर्स निकल के आ जाएगा, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 600 आ जाएगा, मतलब 600 आ जाएगा, 200 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 600, तो मतलब हमारा ये 9 आवर्स में कितने डिस्टेंस कवर कर लेगा, 600 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। आई होप ये चीज़ भी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। सिमिलर क्वेश्चन ऐसा है, तो एक टिन में कितना लीटर ऑयल आता है, 12 and 3/5 liters, तो हम बोलेंगे ऑयल होल्ड बाई ए टिन, एक टिन कितना ऑयल होल्ड करता है, 12 and 3/4 liters करता है, इसको कन्वर्ट भी कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 48 आएगा, 48 में 3 प्लस करोगे तो 51/4 liters। लेकिन हमें तो कितने किस में निकालना है, 26 टिन्स कितना होल्ड करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ऑयल होल्ड बाय 26 टिन्स, तो कितना आएगा,
एक की कॉस्ट हमें पता है इतनी, मतलब एक में इतना आता है तो 26 में इतना आएगा। तो देखो डिवाइड करो 2 टाइम और ये 30 टाइम, 13 टाइम हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, 13 वन जा 13 कैरी कितना आएगा, 1 आएगा। सो हाँ 13 5 जा 65 और ये कितना होगा 63 डिवाइड बाई 2। जब इसको डिवाइड करोगे 3 3 1 एंड 1 बाय 2 लीटर्स, तो आप लोग प्रॉपर तरीके से निकाल के देख लेना इसका क्या होगा, इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे तो इतना लीटर्स आएगा। आई होप ये चीज़ आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखो इसको करते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या मैं इसके लिए जगह छोड़ी है मैंने यहाँ, क्या बोला 9 बोर्ड आर स्टैक्ड ऑन द टॉप ऑफ द ईच अदर। अब इसका क्या मतलब है समझो, ऐसा एक बोर्ड है उसके ऊपर दूसरा बोर्ड आया, ऐसे 9 बोर्ड्स एक के ऊपर एक लिखे रखे हुए ऐसे, और जब ये जो पूरा बनेगा ना इसको स्टैक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्टैक, ढेर है, एक तरीका का ढेर बोल सकते हो। स्टैक की खास बात क्या होती है ऐसा समझ लो कि जैसे मान लो आप लोगों ने ये लिखा रखा, फिर उसके बाद में एक दूसरा रखा, फिर उसके ऊपर तीसरा रखा, चौथा रखा, पांचवा रखा। अब वापस अगर हमें निकालना है तो होगा क्या, जो सबसे लास्ट में रखा है ना वो सबसे पहले उतरेगा, यही होगा। तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट इन लास्ट आउट, जो सबसे पहले आया वो सबसे लास्ट में क्या होगा, निकलेगा। तो ये सिर्फ चीज को क्या बोला जाता है, स्टैक बोला जाता है। तो इसको इमेजिन करो, जब तक आप लोग इमेजिन नहीं कर रहे होंगे ना तो चीजों के समझ में नहीं आए। जैसे यहाँ टिन है तो आप लोगों को वो दुकान विजुअलाइज होनी चाहिए, सोप विजुअलाइज होनी चाहिए, जिसके अंदर आप लोगों को टिन के डिब्बे दिखने चाहिए, भाई एक टिन में इतना मारा होगा, 26 ऐसे रखे हुए होंगे, मान लो ऐसे डिब्बे रखे हुए होंगे 26 ऐसे, फिर इनके ऊपर रखे हुए होंगे। तो जब तक विजुअलाइज नहीं करोगे ना चीज़ों को, तब तक प्रॉब्लम सोल्व तो हो जाएगी लेकिन आप लोग कुछ टाइम के बाद में भूल जाओगे। अगर आप लोग विजुअलाइज कर सकते हो चीज़ों को तो आराम से समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे बोर्ड है, ऐसे कुछ बोर्ड रखे हुए हैं, एक बोर्ड ये रहा मान लो, दूसरा बोर्ड इसके ऊपर है ऐसे, फिर तीसरा बोर्ड क्या है इसके ऊपर है इस तरीके से, देखो एक बोर्ड ये रहा, एक बोर्ड ये रहा, एक बोर्ड ये रहा, ऐसे बहुत सारे बोर्ड है, टोटल कितने बोर्ड्स हैं, 9 बोर्ड्स रखे हुए हैं। तो यहाँ पे 9 है, अप टू 9। फिर आगे क्या है, 9 बोर्ड्स आर स्टैक्ड ऑन द टॉप ऑफ द ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। द थिकनेस ऑफ बोर्ड, ईच बोर्ड इज 3 2/3 सेंटीमीटर, जो एक बोर्ड है ना उसकी जो थिकनेस है, यानी कि ये मान लो एक बोर्ड है, इसकी जो थिकनेस है ये वाली जो मोटाई है इसकी वो कितनी है, 3 2/3 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करोगे 3 3 9 और 2 कितना हो गया, 11/3 सेंटीमीटर। ऐसे दूसरे वाले की भी इतनी होगी, तीसरे वाले की भी इतनी होगी, ऐसे 9 है। तो इसके दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप लोग इन जैसे एक की थिकनेस इतनी है, दूसरे की इतनी है, फिर तीसरे की भी इतनी है, तो इन सबको ऐड करते जाओ, 9 टाइम्स ऐड कर दोगे तो क्या आएगा, हमारा रिजल्ट निकल के आ जाएगा। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले भी कभी बताया होगा कि मल्टीप्लाई बनाया क्यों गया, मल्टीप्लाई बनाने की मतलब मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट लाया क्यों गया उसको समझो। जैसे कहीं पे 4 4 4 4 ऐसे मान लो कि 6 टाइम्स ऐड करने पड़ रहे हैं हमारे को, तो इसमें ऐड करने में टाइम लगेगा, ऐड भी कर लोगे तो 24 आएगा। इसी के लिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट लाया कि जिस नंबर को बार बार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा हो, तो जितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं उतने से ही मतलब जितनी बार किसी नंबर को बार बार ऐड करना पड़ रहा हो तो उसको जितनी बार ऐड करते हैं ना उतने से ही मल्टीप्लाई कर दे। तो यहाँ पे 4 को 6 टाइम ऐड किया था तो 6 से ही मल्टीप्लाई कर दे तो रिजल्ट कितना आएगा, वही आएगा। तो अब यहाँ पे तो ऐसा ही हो रहा है कि एक की थिकनेस पता है, दूसरे की, तीसरे की, सबकी ऐसी है, तो हम 11/3 को 9 टाइम्स ऐड करेंगे। तो अभी अभी हमने सीखा है कि 9 टाइम्स ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, क्या है, जितनी बार ऐड कर रहे हो सेम नंबर को उतने से ही मल्टीप्लाई कर दो। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, देखो ये क्या है, बोर्ड है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, थिकनेस ऑफ ए बोर्ड बराबर कितनी हो जाएगी, 11/3 सेंटीमीटर, ये गिवन था हमारे को। अब ऐसा बोला है कि जो स्टैक बनेगा ना, ढेर बनेगा वो,
वो कितनी हाइट होगी, उसकी एक टोटल हाइट निकालनी यहाँ से लेके यहाँ तक है मान लो, तो ये टोटल हाइट हमारे को फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे टोटल हाइट ऑफ स्टैक वो क्या होगी, एक की थिकनेस यानी मोटाई बोल दो या हाइट हमें पता है कितनी, इतनी टोटल हाइट ऑफ नाइन बोर्ड या स्टैक बोल दो या नाइन बोर्ड्स की बोल सकते हो, दोनों का मतलब सेम है भाई, पूरा ढेर बोलो जो कितने का है, नाइन बोर्ड्स का, तो इसको नाइन से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि नाइन टाइम्स एड करोगे 11/3 को उतना ही रिजल्ट आएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 कितना होगा 33 सेंटीमीटर। यानी कि अगर ऐसे 11/3 सेंटीमीटर के 9 बोर्ड्स रखे हुए होंगे तो आप लोग जब पूरी लेंथ को निकालोगे ना, पूरी मतलब हाइट निकालोगे उसकी, तो उस पूरे स्टैक की हाइट कितनी निकल के आएगी, 33 सेंटीमीटर निकल के आएगी। आई होप आप लोगों को ये चारों एग्जांपल समझ में आ गए होंगे, इनको अच्छे से नोट कर लीजिए। इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है, आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इसके साथ ही अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिवीजन को कंप्लीट करेंगे और उसी के साथ हमारा फिर लेक्चर मतलब ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।